हमारी ने जानकारी लीजिए कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी कि नहीं। हम लोग के पास कोई काम बचा है क्या, कोई काम है क्या, कोई विकास का एजेंडा है क्या? अरे हम चुनाव लड़ेंगे, अभी इतना ही जानिए। उनको तो यही है कि लोगों को सही रास्ते से भटकाने का। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अविनाश। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा आज महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डेप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद रहे और जदयू के तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद रहे। लेकिन जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा में मौजूद रहे। एक पोस्टर भी जारी किया गया जनता दल के द्वारा, जिसमें सारे जदयू के तमाम छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक मौजूद रहे, लेकिन उस पोस्टर में उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर जब सवाल मीडिया ने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से किया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तो सरकारी कार्यक्रम था, इसमें सरकारी लोग थे। क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा, सबसे पहले आप सुनिए। ये तो इसमें हमसे पूछ रहे हैं, अब ये हमारी ने जानकारी लीजिए कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी कि नहीं। तो महागठबंधन है क्या, नागालैंड में भी साथ में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अलग अलग सब पार्टी का समझे, हमारी पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ेगी समझे। और इस पर तो ये तो नेशनल हमारे राष्ट्रीय कमेटी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष या उस कमेटी के जो लोग होंगे वो बताएंगे आपको, इस पर भी डिटेल में विस्तार से बताएंगे। पिछले बार तो 13 सीटों पर क्या सीटों की में बढ़ोतरी होगी क्या? अरे हम चुनाव लड़ेंगे, अभी इतना ही जानी, और वहाँ जो है आगे क्या होगा इसकी बात नहीं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सर, अश्वनी चौबे कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी जाएंगे वहाँ पे वो मौन धरना पे बैठेंगे, क्या? तो उन लोग के पास कोई काम बचा है क्या, कोई काम है क्या, कोई विकास का एजेंडा है क्या? उनको तो यही है कि लोगों को सही रास्ते से भटकाने का, और तो कुछ है नहीं, जाति धर्म को नाम पर समाज और देश को बांटने का यही काम कर रहा गया। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा का पोस्टर में फोटो कहीं नहीं दिखा, सभी नेता का फोटो था, आप लोग उपेंद्र कुशवाहा का फोटो नहीं दिखा, कहाँ कौन चीज में आप दिख रहे? जो अनावरण हुआ महाराणा प्रताप का मूर्ति, ये वो सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम में आप पूछ रहे हैं कि हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष के फोटो देख लिए वहाँ? कोई सरकारी कार्यक्रम है तो सरकारी कार्यक्रम का रहा होगा, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई फोटो लगाए होंगे, सरकारी कार्यक्रम है। तो आपने सुना उमेश कुशवाहा को जो ये कह रहे हैं कि ये तो सरकारी कार्यक्रम था, मूर्ति का अनावरण था, इसलिए सरकारी लोग पहुंचे थे। तो सरकारी कार्यक्रम में आखिर जब जदयू के तमाम शीर्ष नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, उमेश कुशवाहा भी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुमित सिंह भी हैं जो निर्दलीय से विधायक हैं, विजय चौधरी भी हैं, जब इतने शीर्ष नेता जब पहुँचे हुए हैं तो आखिर जो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा वो क्यों नहीं? क्योंकि उसमें तो कार्यकर्ता भी हैं जदयू के, विधायक भी पहुंचे हुए हैं, MLC भी पहुंचे हुए हैं, तमाम जो पोस्टर में जो बड़े नेता से और शीर्ष नेता आप या फिर यू कह ले जो छोटे कार्यकर्ता है वो सारे उस पोस्टर में दिखे। लेकिन आज जब मूर्ति अनावरण किया गया उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं नहीं दिखे। इसको लेकर साफ तौर पर उमेश कुशवाहा ने यह कह दिया कि ये तो सरकारी कार्यक्रम था, उमेश जी उपेंद्र कुशवाहा नहीं आए, इसमें कोई पूछने वाला सवाल ही नहीं है, तो सरकारी कार्य में सरकारी लोग थे। आखिर जिस तरीके से ये जो चल रहा है जदयू के खेमे में, ये कुछ कहीं ना कहीं कुछ अलग पॉलिटिकल स्टैंड की तरह बयां कर रहा है। बीते दिनों भी उपेंद्र कुशवाहा ये कहते नजर आए कि हमें 2 साल से पवेलियन में बैठाया गया, 2 साल से हम पवेलियन में बैठे हुए हैं, और जब हम हमेशा जदयू को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक रिपोर्ट में ये भी कहते दिखे कि जब ये बात हो रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, जब उनसे पूछा गया कि आखिर आपको कोई भागीदारी मिलेगी, तो वो कहते नजर दिखे उपेंद्र कुशवाहा उसमें साफ तौर पर ये कहें कि हम कोई मंदिर मठ में बैठे पुजारी तो नहीं है, हम भी जदयू में एक बड़ा हमें ऑरा मिला है, अगर हमें कोई मंत्रिमंडल विस्तार में कोई मंत्री का पद मिलता है या कोई बड़ा पद मिलता है तो हम उसको जरूर स्वीकार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जदयू में अभी जो चल रहा है राजनीति, वो ये कहीं ना कहीं ये बयां कर रहा है कि जदयू अभी उपेंद्र कुशवाहा को तजब्बू नहीं दे रही है। और जिस तरीके से साफ तौर पे आज पोस्टर जारी हुआ, उसके बाद हम जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से बातचीत करने की कोशिश किए, उन्होंने साफ तौर पे यही जाहिर कर दिया है कि मीडिया वालों के बीच में साफ तौर पे यही कहा है कि सरकारी कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम में जरूरी नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहें। ये जो
जदयू में ये जो चल रहा है साफ तौर पर ये जरूर जाहिर कर रहा है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है, जदयू राजद के साथ सरकार चला रही है, लेकिन जिस तरीके से अब जदयू में ही रणनीति चल रही है, जदयू में ही जब तनाव हो रहा है, पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं और संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जब सवाल उठ रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी एक खटास भी है जो साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं मीडिया के बीच में और लगातार इस चीज़ को लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं और इसको लेकर हमेशा सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जदयू कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भी सब कुछ सही है। लेकिन आखिर देखना ये हुआ कि महागठबंधन की जो सरकार है, राजद और जदयू की जो सरकार है, आखिर अपने ही में ये दोनों भिड़ क्यों रही है? जब सब कुछ सही चल रहा है तो राजद के कुछ नेता ये कहते हैं कि हमारे नेता तो तेजस्वी यादव हैं, हमारे नेता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं, और जदयू के खेमे से ये पता चलता है कि जदयू के लोग नेता कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जब इस तरीके से बयानबाजी जदयू और राजद में चल रही है तो कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शा रही है कि अब महागठबंधन में कुछ नया मोड़ लेने वाला है, महागठबंधन की जो सरकार है शायद कहीं ना कहीं अब बिखरने वाली है। इन तमाम चीज़ों को हम लेकर हम हमेशा आपको अवगत कराते रहेंगे, जो भी रिपोर्ट होगा आपको दिखाते रहेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सहयोगी जगह के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।